झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो जमशेदपुर के सुगसुलाई और MGM थाना प्रभारी लाइन हाजिर, कई और थानेदार बदले गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक M. तमिलवानन ने गुरुवार को कई थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया है। वहीं सुगसुलाई थाना प्रभारी नित्यानंद महतो और MGM थाना प्रभारी राकेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। खबर है धनबाद से, DVC ने गैर परंपरागत ऊर्जा की ओर बढ़ाए कदम, 4 परियोजना को मिली मंजूरी। पन बिजली और ताप बिजली उत्पादन करने वाले देश के प्रमुख PSU DVC ने अब गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया है। अपने जलाशयों में फ्लोटिंग सोर पावर प्लांट लगाने के प्लान पर काम कर रहा है। इस दिशा में DVC को तैयारी हुई और विद्युत परियोजना का कार्य शुरू करने की मंजूरी मिली है। DVC देश की पहली व एकमात्र संस्था है जिसे 4 जलाशय में और विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली है। केंद्र ग्रीन नवीनकरण ऊर्जा विभाग की ओर से 200 मेगावाट बिजली उत्पन्न की प्राथमिकता मंजूरी दी गई है। DVC के सदस्य सचिव परवीर मुखर्जी ने भी इसकी पुष्टि की है। खबर है रांची से, चतरा में NTPC परियोजना क्षेत्र में लगी आग, स्क्रैप जलकर खाक। NTPC उत्तरी कर्णपुरा मेगा ताप परियोजना क्षेत्र में गुरुवार को आग लगी। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आग लगने से स्क्रैप जलकर राख हो गया। अधिकारियों ने बताया कि जिस स्थान पर आग लगी है वहां पर स्क्रैप रखा हुआ था। आग लगने से परियोजना को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। अग्निशामक वाहन के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। खबर है धनबाद से, सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू सेवन करना और जहां तहां थूकने पर होगी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का सेवन करना और जहां तहां थूकना पाप के समान है। इसे खुद ही सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। कोरोना संक्रमण और कोटपा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक कराना शुरू कर दिया है। इस संबंध में सदर अस्पताल सहित अन्य जगहों पर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने बताया कि झारखंड में तंबाकू का सेवन पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का सेवन वर्जित है। इसका पालन नहीं करने पर कोट अधिनियम के तहत जुर्माना और जेल दोनों की सजा है। लोगों से अपील की जाती है कि वो सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का सेवन न करें, साथ ही इधर उधर थूके नहीं। दल बदल मामले, पक्ष विपक्ष से शिकायतों की झड़ी, विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंची 7वीं शिकायत। दल बदल का मामला झारखंड में हर दिन नया मोड़ ले रहा है। जामीमू से भाजपा में विलय करने वाले बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रदीप यादव व बंदी तुर्की के खिलाफ पक्ष विपक्ष में शिकायतों की झड़ी लग रही है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में हर दिन दल बदल मामले में शिकायत पहुँच रही है। पक्ष विपक्ष से अब तक स्पीकर के पास इन तीनों विधायकों को लेकर 7 मामले आ चुके हैं। सहायक अभियंता नियुक्ति का विज्ञापन हाईकोर्ट ने किया रद्द, झारखंड में आज से होने वाली थी परीक्षा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने कल गुरुवार को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण को 10% आरक्षण देने के मामले में फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलाली सुनने के बाद सहायक अभियंता की नियुक्ति के विज्ञापन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वर्ष 2019 में जब कानून को लागू किया गया है तो पिछले वर्षों की वैकेंसी में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मामले में सरकार संशोधित अधियाचन JPSC को भेजे और इसके अनुसार ही JPSC दोबारा विज्ञापन निकाले। आपको बता दें कि 22 जनवरी से पूरे राज्य में इसकी मुख्य परीक्षा होनी थी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हुए स्वस्थ, बहुत दिनों बाद दिखी चेहरे पर मुस्कान। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो फेफड़े के गंभीर संक्रमण की बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर रूप से संक्रमित हुए शिक्षा मंत्री का चेन्नई MGM हेल्थ केयर हॉस्पिटल में इलाजरत है। इस दौरान शिक्षा मंत्री का सफल लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ है। 92 दिन बाद शिक्षा मंत्री का काफी स्वस्थ दिखे हैं। काफी दिनों पर उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। संभावना है कि हॉस्पिटल से जल्द शिक्षा मंत्री को छुट्टी मिल सकती है और झारखंड वापस आ सकते हैं। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। जो बाइडेन के शपथ लेते ही चीन ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को दिया बड़ा झटका। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की विदाई और जो बाइडेन की नई सरकार के आते ही चीन ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने के ठीक बाद और बाइडेन के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद चीन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के 30 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ पाबंदी लगा दी है।
जो लोग खालिस्तान के साथ नहीं हैं, वे एक कदम आगे बढ़े। मोदी सरकार ने किसान आंदोलन में शामिल लोगों को दिए निर्देश। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे कथित किसान आंदोलन को लेकर शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि उसमें खालिस्तानी समर्थकों की एक बड़ी भूमिका है, जिसको लेकर अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। NIA की ये कार्रवाई किसानों को तनिक भी पसंद नहीं है, इसलिए अब ये लोग दसवें दौर की सरकार के साथ मीटिंग के दौरान आक्रामक हो गए हैं और कहने लगे हैं कि उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि जो बेगुनाह हैं वो अपना काम करें, एजेंसी अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। इन तथाकथित किसानों की सबसे कमजोरी नब्ज यही खालिस्तानी लिंक है, जिसे दबाकर सरकार ने अब इनकी नींद उड़ा दी है। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेसी तो ऐसे इतरा रहे हैं जैसे वार्डन कमला नहीं राहुल प्रियंका शपथ लिए हो। जो वार्डन ने 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। जो वार्डन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं, जबकि भारतीय मूल की कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वार्डन और हैरिस के शपथ लेने के बाद भारत के भी नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बधाई देते हुए बिना नाम लिए भाजपा पर तंज कसने की कोशिश की। इसके बाद संबित पात्रा ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेसी तो ऐसे इतरा रहे हैं जैसे वार्डन कमला ने नहीं राहुल प्रियंका ने शपथ ली हो। मिसाइल लाई तबाही, पाकिस्तान को खुशी में मिला ये गम, अपने लोगों को हो गया शिकार। जो वार्डन ने अमेरिकी में 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, तो उससे कुछ घंटे पहले पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 के सफल परीक्षण की घोषणा की। मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए पाकिस्तान सेना ने बुधवार को कहा कि शाहीन 3 तकनीकी और वेपन सिस्टम के मामले में आधुनिक है। वहीं प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे लेकर अपने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। टीकाकरण कोविड-19 के ताबूत में आखिरी कील, टीके को लेकर पोस्टर जारी करते हुए हर्षवर्धन ने कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 टीकों को सुरक्षित व असरदार बताते हुए टीकाकरण के लिए संकोच को लेकर कुछ पोस्टर जारी किए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 के ताबूत में आखिरी कील है। हर्षवर्धन द्वारा जारी एक पोस्टर में लिखा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं छूट न जाए टीका। राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दी 1 करोड़ की सहायता राशि। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद व पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने 1 करोड़ की सहायता राशि दी है। गंभीर ने कहा, एक भव्य राम मंदिर सभी भारतीयों का सपना रहा, अंततः एक पुराना मुद्दा खत्म हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 5 लाख दान दिए हैं। 2011 में नंदीग्राम के ही मुद्दे को भुनाकर सत्ता पर काबिज हुई थी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। लगातार 2 बार राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ने इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की फैसला किया है, इसलिए नंदीग्राम की अहमियत बढ़ गई है। नंदीग्राम को सही मायने में राज्य में ममता के लिए ट्रंप कार्ड कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे वही विधानसभा क्षेत्र है जहां के आंदोलन को हवा देकर ममता राज्य की राजनीति में उतरी थी और बाद में न सिर्फ कामयाबी के शिखर पर पहुंची, बल्कि उनके जरिए उन्होंने राज्य से वर्षों पुरानी नाम दल की सरकार को भी उखाड़ फेंका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के तेजपुर के विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर असम के राज्यपाल प्रो जगदीप मुखी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी उपस्थित रहेंगे। इराक की राजधानी बगदाद में भयंकर आतंकी हमला, 28 लोगों के उड़े चिथड़े और 73 लोग हुए घायल। इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में राजधानी के 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 73 लोग से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ऐसे में इराक की सेना का कहना है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, जबकि इराक की सेना ने कहा कि सेंट्रल बगदाद के तायरन चौक पर भीड़ बड़े बाजार में अंदर में 2 आत्मघाती हमले हुए, जिसमें कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर हुई 1,92,000, ठीक होने की
दर बढ़कर पहुंची 96.75% पर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर आज 192,360 हो गई है। अब तक संक्रमित पाए गए कुल मामलों की तुलना में संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 181,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या में 4,893 की कमी आई है। भारत के प्रति मिलियन जनसंख्या पर कोरोना के 7,689 मामले आए गए हैं। देश के 5 राज्य केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कुल 73% संक्रमण नए मामले सामने आए हैं। कल यानी 23 जनवरी को कोलकाता का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पराक्रम दिवस के समारोह में करेंगे संबोधित। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन यानी पराक्रम दिवस को संबोधित करने के लिए कल यानी 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता का दौरा करेंगे। इसके अलावा 106,000 भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र वितरित करने पीएम असम के शिव सागर में जनता पद पर भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। हाल ही में नेताजी जन्मदिन को लेकर केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। इसके अनुसार अब उनके जन्मदिन 23 जनवरी को देश और दुनिया में हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी सरकार ने 168,000 मकानों के निर्माण को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट 2021 में अपना नाम। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 168,000 से अधिक मकानों को निर्माण को मंजूरी दी है। इस तरह अब तक मंजूर किए गए मकानों की कुल संख्या 101,000 हो गई है। यह बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बुधवार को इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों में भूमि स्थलाकृति कंत्रों अंतर शहर पलायन प्राथमिक बदले आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण परियोजनाओं को संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव रखें। बिना आधार और पैन के भी खुलवा सकते हैं जनधन खाता। 41 करोड़ से अधिक लोगों उठा रहे हैं फायदा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन खाता है। इस योजना के तहत 6 जनवरी 2021 तक जनधन खातों की कुल संख्या 41.6 करोड़ है। जानकारी वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके दी। वही शून्य बैलेंस वाले खातों की संख्या मार्च 2015 के 58% से कम होकर 7.5% पर आ गई है। अब तक 41.65 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की है। लाभार्थियों के खाते में 1,37,195.93 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। खबर खेल जगत से। सीरीज हारने पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर यान हीली ने की कप्तान टीम पेन को जमकर लताड़ा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज यान हीली ने चोटिल खिलाड़ियों से परेशान रही भारतीय टीम से हार के बाद अपनी टीम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसमें प्रतिबद्धता की कमी थी। उन्होंने इसके साथ ही कप्तान टीम पेन के नेतृत्व और विकेट कीपिंग कौशल पर भी सवाल उठाए। भारत ने एडिलेड में पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में अपने न्यूनतम स्कोर 36 रन पर आउट होने के बाद शानदार वापसी की और 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीतकर वाडर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखी। हिली ने चेन्नई 1170 ड्राइव पर कहा, वे वास्तविक प्रतिबद्धता के बिना खेले। वे अक्सर मुकाबले में सही रवैया नहीं अपनाते थे। उनमें अपने 60 के स्कोर को 130 के स्कोर में परिवर्तन करने की भूख नहीं दिखी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पर पाकिस्तान क्रिकेटर मोहम्मद हसीब ने कह दी बड़ी बात। पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की टेस्ट जीत में की तारीफ करते हुए कहा कि टैलेंट को निखारने की उचित व्यवस्था के कारण ही यह संभव हो पाया है। हफीज ने कहा कि वर्तमान समय में इंटरनेशनल क्रिकेट में बन रहने के लिए प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है तथा युवाओं को टैलेंट की भी उचित तरीके से निखारना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को निखारने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।